मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस लाइन धर्मशाला में 2.75 करोड़ की लागत से निर्मित प्रशासनिक कार्यालय खंड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 2.41 करोड़ की लागत से धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक परिसर में तिब्बती व विदेशी पर्यटकों के पंजीकरण कार्यालय का भी शुभारंभ किया। इसके उपरांत मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भाजपा कांग्रेस से कई कदम आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि जिन बातों के बारे में कांग्रेस को अभी सोचना है वे बातें भाजपा ने पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है और कहीं भी कांग्रेस उसके आसपास नहीं है। खुशी है कि पुलिस वालों का अपना प्रशासनिक भवन आज बनकर के तैयार हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। 2.41 करोड़ की लागत से भवन बनकर के तैयार हुआ था और आज ये पूरा होने के बाद जो है पुलिस महकमे को काम के लिए समर्पित किया गया। और उसके साथ दूसरा भवन जो हमारा जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस जो है वो उसका भी उद्घाटन आज हुआ और वो 3.51 करोड़ की लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ है। दोनों चीजें खासतौर से धर्मशाला के लिए एक नए मील के पत्र के रूप में साबित होंगी, क्योंकि पुलिस को काम करने के लिए स्पेस होना, बैठने की व्यवस्था होना, उचित व्यवस्था होना, ये बहुत लाजमी बहुत जरूरी है। और उस दृष्टि से ये सारे काम आज पूरे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसका अच्छा। वहीं पूर्व मंत्री जीएस बाली द्वारा पन्ना प्रमुखों को दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में पेड वर्कर नहीं है बल्कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं। किसी को कोई धन नहीं दिया जाता बल्कि वे अपनी इच्छा से पार्टी का कार्य करते हैं, जिसकी एवज में उन कार्यकर्ताओं को पार्टी सम्मान देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री जीएस बाली को भाजपा की व्यवस्था की जानकारी नहीं है, इसलिए वे हमारे कार्यकर्ताओं को पेड कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आम कार्यकर्ताओं को प्रमुखता और सम्मान देती है और ये पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसी व्यवस्था का तो कोई ज्ञान नहीं है और वे हर कुछ कह रहे हैं। उसके ऊपर सर कि मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं ज्यादा, क्योंकि वो हमारे संगठन की रीति नीति से वाकिफ नहीं है, जानकारी का अभाव है। हमारे संगठन में कोई भी पेड वर्कर नहीं होता है, स्वतः अपनी इच्छा से काम करने के लिए निकलते हैं और समय भी देते हैं। जिसको पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी कहते हैं तो उसको पेड नहीं कहते, वो जाता है बिना पैसे के काम करता है और जितना समय कमिटमेंट के साथ उसने काम करने के लिए बोला होता है उतना समय काम करता है। उसके बाद अपने परिवार में वापिस आता है, काम व्यवसाय अपना जो होता है उस काम को देखता है। ये हमारे पास अलग मैकेनिज्म है जो कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश भर में है नहीं, और मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे संगठन में भी इस प्रकार के संगठन की व्यवस्था नहीं है। तो उस दृष्टि से उनको जानकारी नहीं है, और अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो आए इधर आए हमारे पास, हम उनको पूरा पूर्णकाली करके भेजेंगे। कहने से कुछ नहीं होता, कहने के लिए वो बहुत कुछ बातें कहते हैं और उनको लोग अब आजकल वैसे तो सुनते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सुन भी लिया तो उसको मानते नहीं है। ये पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिला है, काम विकास को गति मिली है, हमारे हिमाचल के विकास को आगे बढ़कर के जो है एक अवसर मिला है, ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना और उनकी दी हुई योजनाओं को जमीन पर शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री आते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बौखलाहटी से बढ़ती है। सर, देहरा में जो शिलान्यास किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसकी पट्टिका को हटा दिया गया था मात्र 12 घंटे के भीतर, जो हटाई गई थी पट्टिका को और उसे दोबारा फिर लगाया गया है, मुझे ये मालूम नहीं, पता करेंगे। थैंक यू। एच टुडे के लिए धर्मशाला से निरभजीत निप्पी की रिपोर्ट।